वे वैसे परिवार के बच्चे जाते हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि कम आर्थिक तरह से दृष्टिकोण से अगर देखेंगे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। और आपने जो जो नियम बनाया है, जो योजना बनाई, किन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है, आप क्या चाहते हैं? 4 वर्ष की नौकरी देकर उसको क्या चाहते हैं? उस बच्चे को अंधकार में क्यों रखना चाहते हैं? गोल 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 समझाने से नहीं चलेगा। ये अग्निपथ योजना की जो नीति है वो कहीं ना कहीं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दबे कुचलों की आवाज़ को बंद करने की है, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की योजना है। सदन में हमने अपने अध्यक्ष से चर्चा कराने की कही, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारी बातों को, कभी विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी व चर्चा के लिए राजी ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं रत्नेश पांडे। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध जारी था, लेकिन विरोध थमा है। राजनीति पार्टियां जो हैं वो एक्टिव हुई हैं युवाओं के भविष्य को लेकर के अग्निपथ योजना पर। बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से राजद ने विरोध मार्च निकाला था विधानसभा में, और विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की विधायक संगीता देवी हैं। क्या कुछ कहेंगी, अग्निपथ योजना पर विरोध चल रहा है, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? विरोध वाजिब सी समस्या है युवाओं के, युवाओं के निश्चित रूप से भविष्य की बात है और उस पर हम पुरजोर हम विरोध करते हैं। अग्निपथ योजना का हम सरकार ने जो भी मंशा रही है, यहाँ नीति और नियत सरकार की दोनों ही संदेहास्पद है, और इस नीति को जिस तरह से लाया गया है अग्निपथ योजना का, पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरह से इस सत्र में भी हमने विरोध किया है, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, चूँकि युवाओं के भविष्य की बात है, हम उसकी बात करेंगे। और जिस तरह से 4 वर्ष के आपकी नौकरी देना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण पर प्रहार करने की, सरकार की जो तीखी नज़र है उस पर हम प्रहार नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम अग्निपथ योजना का। अच्छा, आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है जदयू की तरफ से, कहा जा रहा है कि मतलब ये केंद्र की योजना है, राज्य सरकार इस पर हस्तक्षेप ना करे? बिल्कुल नहीं, हमें चर्चा चाहिए क्योंकि ये केंद्र की योजना है, लेकिन हमें पूरे बिहार से अलग भी जो राज्य हैं उस पर अपना दृष्टिकोण करते हैं, उसके बाद वो योजना जाती है, वो चर्चा हम कर सकते हैं। सदन में हमने अपने अध्यक्ष से चर्चा कराने की कही, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारी बातों को, कभी विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी व चर्चा के लिए राजी ही नहीं। क्यों नहीं गंभीर से लिया जा रहा, आप लोग विरोध कर रहे हैं दूसरे तरफ गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? तो क्यों नहीं विरोध किया गया, क्योंकि सरकार की योजना है, सत्ता पक्ष के लोग हैं और उनकी योजना है। जो भाजपा कहती है जो लोग विरोध कर रहे हैं खालिस्तानी हैं, वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग इस देश को आज़ाद करने वाले वो लोग हैं, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति को निर्वहन करने वाले वो लोग हैं, और ऐसे नहीं है लोहिया कर्पूरी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीवंत करने वाले लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्मी की नौकरी में किस परिवार के लोग जाते हैं, किन की भविष्य की बात है, किनके कितने संभ्रांत परिवार के बच्चे वहां जाते हैं, वे वैसे परिवार के बच्चे जाते हैं जिनकी आर्थिक दृष्टि कम आर्थिक तरह से दृष्टिकोण से अगर देखेंगे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। और आपने जो नियम बनाया है, जो योजना बनाई, किन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है, आप क्या चाहते हैं? 4 वर्ष की नौकरी देकर उसको क्या चाहते हैं? उस बच्चे को अंधकार में क्यों रखना चाहते हैं? लगातार ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बच्चों को भड़का रही हैं, जबकि योजना बहुत सफल है। वो 4 साल के बाद आएंगे तो उनको अन्य विभागों में नौकरियां मिलेंगी, कोटा दिए जाएंगे, तमाम बातें कही जा रही हैं। ये गोल 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 समझाने से नहीं चलेगा। ये अग्निपथ योजना की जो नीति है वो कहीं ना कहीं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दबे कुचलों की आवाज़ को बंद करने की है, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की योजना है। क्या रणनीति है आगे, किस आगे रणनीति है कि हम निश्चित रूप से हम अग्निपथ योजना को लेकर जाएंगे, हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे सदन में, देखते हैं कल क्या होता है, जिस तरह से हम सड़कों पर भी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत किए हैं RJD के विधायक हैं, और जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध चल रहा है, सदन में भी इसका विरोध जारी है। बहरहाल, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2 दिन में सदन में किस तरीके से विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर के अपना स्टैंड रखता है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए आप NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों का।